हेलो दोस्तों, नमस्कार। चैनल पे आपका स्वागत है और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों, ये एक रिमाइंडर अपडेट वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन सी एक्टिविटी की कब लास्ट डेट है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपसे अटेंड करती हूँ मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ बात करेंगे यूसी के द्वारा जो है जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में, कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइन जारी किए। इसके साथ साथ एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी एग्जामिनेशन को लेकर, जिसको यूसी ने क्लैरिफाई किया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली रिमाइंडर अपडेट है जो है एग्जाम फॉर्म को लेकर। एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर है, बट इसमें क्या है कि आप 15 दिसंबर तक विदाउट लेट फीस है जो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो। तो एग्ज़ाम फॉर्म भर लो। वैसे भी अभी काफ़ी सारे इशू स्टूडेंट ये फेस कर रहे हैं। इशू है इशू नहीं है, लेकिन यह है कि आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर फुल होते जा रहा है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे कोई भी एग्ज़ाम सेंटर चूज करके, तो उसमें कभी कभी ऐसा दिखाएगा कि ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना पड़ सकता है। तो विदाउट लेट फीस जो है आप 15 दिसंबर तक भरिए, ताकि आपका सेंटर आपका जो है आपके चॉइस का सेंटर मिल सके। अदरवाइज सेंटर भी चेंज करना पड़ेगा और लेट फीस भी भरना पड़ सकता है 16 दिसंबर से। ठीक है, तो आप कल लास्ट डेट होने वाली है इसकी विदाउट लेट फीस, तो आप एग्जाम फॉर्म जरूर भर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है 15 दिसंबर है आपकी री रजिस्ट्रेशन को लेके। ये अपडेट इसलिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रमोशन के दायरे में हैं, उन्होंने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन करवाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका जो है प्रमोशन मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जुलाई 2020 में एडमिशन लिया, उनको प्रमोशन मिला है, बट उन्होंने जो है जुलाई 2021 में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपने सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर का, जिसके बेस पे वो प्रमोट होने वाले हैं। तो ये वाला री रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मत कीजिए जनवरी 2022 का, ये वाला री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अदरवाइज फिर और भी 6 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा, जिसमें आपको प्रमोशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और उससे पहले के भी जो कोई भी स्टूडेंट अगर मिस हो गया है री रजिस्ट्रेशन, तो जरूर करवा लेंगे। इसकी लास्ट डेट बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं कर सकते, बट मे बी एक्सटेंड हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा इनों को। हो सकता है डेट को बढ़ाया जाए, बट आप कल लास्ट डेट मान के अपना जो है री रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। फ्रेश एडमिशन की डेट को कई बार बढ़ा चुका है, इतनी बार बढ़ाया जा चुका है कि पता नहीं है। अभी 15 दिसंबर लास्ट डेट है, केवल ईयरली बेस प्रोग्राम का एडमिशन चल रहा है मास्टर बैचलर का, बाकी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सबका बंद कर दिया गया है। अब ये जो ओपन होगा नेक्स्ट जो है सेशन के लिए, जनवरी 2022 के लिए ओपन होगा, जिसमें सभी प्रोग्राम के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो अभी आप मास्टर बैचलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जुलाई 2021 का एडमिशन है, अदरवाइज वेट कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। वो स्टार्ट होगा कम से 15 से 20 दिन बाद जो है जनवरी सेशन का। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। जून 2021 रिजल्ट डिक्लेरेशन अभी भी प्रोसेस में है, कुछ रिजल्ट रह गए थे उसकी भी रिजल्ट की अपडेट आ जाई है। ठीक है, अगर फेल हो गए तो एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, इसका वेट मत करिए कुछ भी। अगर आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो भी आप एक बार रिस्क ले सकते हैं, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा। हो सकता है अगर आप फुल कॉन्फिडेंस से पास हो जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्ज़ाम फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अदरवाइज फिर बाद में अगर रिजल्ट आता है, आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो फिर लेट फीस भी लग सकती है। ठीक है, इसी केस में रिवैल्यूएशन को लेके है, रिवैल्यूएशन की भी रिजल्ट आई हुई है। ठीक है, आज अपडेट आई है। अगर रिवैल्यूएशन का रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया है तो एक बार अपना एग्ज़ाम फॉर्म जरूर भर दीजिए। अगर फेल के केस में आपने रिवैल्यूएशन का अप्लाई किया है तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भर देंगे। अगर मार्क्स इंक्रीमेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, अगर आपका रिजल्ट आया था, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट जो है आपका जो है प्रोजेक्ट इंटर्नशिप डिजर्टेशन इंटर्नशिप सब सबमिट करने की लास्ट डेट के बारे में है। उसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है, एक्सटेंड किया गया था। अगर आप अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी 31 दिसंबर तक चलने वाला, जल्द से जल्द अपना प्रिपेयर करके जो है प्रोजेक्ट वगैरह आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है, 31 दिसंबर तक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, तो इसको आप लास्ट ही मान के चलिए, क्योंकि 10 से 20 दिन रह जाएंगे। हो सकता है स्पेशल केस में फिर से बढ़ाया जाए, बट ये प्रिपेयर करेंगे तो अभी काफ़ी समय है। आप अपना असाइनमेंट बना के जो है सबमिट करवाइए अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट के गाइडलाइन के हिसाब से। जिस भी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइन नहीं निकाला, उसको सभी स्टूडेंट्स को अपने स्टडी सेंटर में जाके असाइनमेंट सबमिट करवाना, इसके पहले भी मैंने बताया है आगे। ठीक है, अब आते हैं यूजीसी के द्वारा जो है जारी किए गए गाइडलाइन के बारे में। एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है गाइडलाइन जारी किया गया है, सभी यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया है कि स्ट्रिक्टली जो है कोविड का गाइडलाइन फॉलो करें। और ये नोटिफिकेशन जो अभी आप देख रहे हैं इग्नू को क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ को ये गाइडलाइन भेज दिया गया, सभी वाइस चांसलर को, सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, ताकि ये जो है अप्रोप्रिएट गाइडलाइन को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, ताकि कोविड का जो है इन सीजन में जो है केसेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं तो वो कंट्रोल किया जा सके।
ठीक है। इसके साथ साथ एक गाइडलाइन और जारी किया गया है जो यूजीसी ने किया है, नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस जारी की है। उसमें ये बोला गया कि एक जो है एग्ज़ाम को लेके एक नोटिस जो था वो वायरल हो रहा था लेटर हेड पे, जो है यूजीसी के, उसको फेक उन्होंने कहा कि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएंगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेके था कि सभी सेंटर खुल रहे हैं, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्लैरिफाई किया ये फेक न्यूज़ है। तो अभी भी यूजीसी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है जो फर्दर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग वेट कीजिए। यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन भी आएगा और जो भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी गाइडलाइन आएगी। हालांकि 1.5 सीट वगैरह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का आ चुका है, एग्ज़ाम भी जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट अपडेट था। और भी किसी डेट के बारे में आप अगर आप मिस हो गया है तो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना जो है एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिए। कोई और अपडेट आएगी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।